लिटरली गूज़बम्प्स एक सीन, इतना ज्यादा एक्साइटेड थी ना दिल टूट गया। पूरी लेके खड़ा हो जाओ उसके अंदर, किसने बोला बाल जाने अंदर ला, की देर जा लियो शॉपिंग। तो गाइस वो मेरा कब से चश्मा ले ली, एक नंबर एक्टिंग। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो ये बारिश का मौसम शुरू हो गया, मतलब ये कुछ अजीब ही मौसम है। अभी जस्ट बारिश हो रही थी बहुत जोर जोर से, जोर जोर से, इवन अभी भी हो रही है, पुट 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 आवाज आ रही है ना मोमो, बारिश हो रही है ना कब से, अब धूप आ गई है, ऐसा कैसा मौसम है मोमो, बारिश आ जाती है फिर धूप आ जाती है। तो गाइस बहुत खतरनाक मौसम है, बारिश आ जाती है फिर धूप आ जाती है, और इसको देखो इतना कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मेरा प्लान कुछ और था इस बार सैटरडे को ब्लॉग डालने के लिए, लेकिन गाइस ये बारिश ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। तो फिलहाल आज ही मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है कल की, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल की देखने के लिए। तो बस अभी हम चलते हैं कल की मूवी देखने के लिए। मोमो आएगा मूवी देखने मेरे साथ, तो मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगी। अरे गाइस रोने लगा, अरे भूत की पिक्चर नहीं जा सकते देखने, नेक्स्ट टाइम देखने जाऊंगी। तो गाइस फटाफट मैं रेडी हो गई हूँ, एज यूजुअल मैं लेट भी हो गई हूँ, तो हम चलते हैं। फिर मैं मूवी का रिव्यू करूंगी कल की, हमें देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। चलो गाइस बाय मोमो, मैं जा ली हूँ। नहीं मैं तो ईआईए में खेल के आऊंगी अकेली अकेली। हाँ तो गाइस ये थोड़ी सी बारिश हुई और पूरा पानी पानी हो गया। तू मेरे पास इसमें है बट भरा हुआ है एकदम, पर्स भरा हुआ है पूरा पैसा से, देख खुल गया, बहुत पैसे हैं मेरे पास। बाय मोमो, ओके बाय। कल की मतलब कल की पिक्चर देखेगा पागल, चल बाय। तो गाइस एज यूजुअल मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं हर वक्त सोचती थी कि चलती है वो ट्रेलर देखो तो फिर से चालू हो गया। तो गाइस फाइनली अभी हो चुका है इंटरवल, एंड मैं इंटरवल से पहले का आपको मूवी का बता देती हूँ। मतलब जब मूवी स्टार्ट हुई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन जैसे ही मतलब एक्चुअली सबसे पहले बताती मूवी है ना 3 घंटे 10 मिनट की, बहुत बड़ी मूवी है, और ये मूवी लाइक स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग बोरिंग थी, पर जैसे अभी इंटरवल हुआ उससे पहले के जो जो सीन्स थे, क्योंकि इसमें पूरा लाइक अपने लाइक वो महाभारत के सब सीन्स है थोड़े बहुत, एंड मतलब कल्कि, जिनको नहीं पता कल्कि कौन है उनको मैं बता देती हूँ, कल्कि विष्णु जी के 10th अवतार है। जैसे कि अभी आपको पता ही है युग का जमाना चल रहा है, इतने पाप हो रहे, तो जब कल्कि एक्चुअल में मतलब ये रियल में भी, ये तो मूवी है बट रियल में भी कल्कि जन्म लेंगे, एंड ये जितने भी पाप है सबको खत्म कर देंगे, एंड फिर शुरू होगा सत्ययुग का। इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी मूवी देखने के लिए, थोड़ा बहुत इसमें वो सब चीजें मतलब एक्चुअल तो नहीं है बट है, तो मतलब बहुत अच्छी मूवी है, इंटरवल से पहले बहुत अच्छी है। और दीपिका का जो जो इसमें मतलब वो है ना, लिटरली गूज़बम्प्स एक सीन था इंटरवल से पहले कि वो एंट्री करती है, मतलब बहुत खतरनाक ऐसे गूज़बम्प्स आ गए। तो मतलब मूवी बहुत अच्छी है इंटरवल से पहले, बाकी का रिव्यू मैं आपको देती हूँ इंटरवल के बाद। तो गाइस फाइनली मूवी खत्म हो गई, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मैं आपको बता ही देती हूँ स्पॉइलर ये है, मतलब शायद और लोगों को पता हो पर मुझे नहीं पता था, कल्कि का पार्ट 2 आएगा गाइस। मतलब पार्ट 1 में खत्म ही नहीं की, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया, मतलब इतना खुश हुई थी क्योंकि मुझे क्या है वो बेबी वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब जब वो कल्कि जन्म लेंगे एंड ऑल वो सब चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन यार मतलब लास्ट में दीपिका को वो लोग जो रहते हैं ना, जो लोग लाइक पकड़ते हैं वो ले जाते हैं, मतलब सेकंड पार्ट के लिए कौन वेट करेगा साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब सेकंड पार्ट इतने सालों बाद आएगा, मतलब गाइस एंडिंग इतनी गंदी है एंडिंग की ना, मतलब क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन ने ना ऐसे करके वो तीर छोड़ते हैं रट्टे के स्क्रीन पे आ गया कि मतलब प्रोड्यूस बाय ने जैम, मतलब लिटरली इतना दिमाग खराब हुआ ना, क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइटेड थे ना दिल टूट गया, तो और वेट करना पड़ेगा इतने सालों तक। टू बी ऑनेस्ट अगर मूवी की रिव्यू की बात करूँ तो मूवी की जो स्टोरी थी वो तो बहुत सही थी, मतलब बहुत ही सही थी, लेकिन एक्शन बहुत ही ज्यादा था। मतलब ये 3 घंटे में से आप समझ लो ना कि 2 घंटा तो एक्शन ही होगा, मैं बोलूँ तो 2 घंटे 29 मिनट एक्शन ही होगा उसके अंदर। जो मेन जो एक्चुअल स्टोरी थी ना, जो दीपिका पादुकोण की लाइफ को चल रही थी, क्योंकि उनके मतलब कल्कि का अवतार मतलब जन्म लेने वाला था तो बहुत कम आया, एंड लिटरली उसके अंदर मतलब कृष्ण भगवान का भी मतलब रूप है जो बात कर रहे हैं, जिस वजह से जो आवाज है मतलब ऐसा गूज़बम्प्स आ गए थे। मतलब लिटरली मूवी बहुत अच्छी है, देख के ऐसा मन किया कि फिर से जाके महाभारत देखूं। मैंने महाभारत देखी तो है पर बहुत पहले देखी थी, मुझे याद नहीं है। ओवरऑल मूवी अच्छी है बट एक्शन बहुत ज्यादा है, अगर आपको एक्शन नहीं देखना है तो आप बिल्कुल देखने मत आओ। ओटीटी पर आए तब आप देख लेना, अगर आपको एक्शन देखने में कोई इशू नहीं है तो आप आ सकते हो। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत बोर भी हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे एक्शन नहीं पसंद, एंड जो पार्ट मुझे देखना था वो पार्ट आने से पहले तो धुम करके खत्म कर दिया यार। कुछ नहीं गाइस, अभी आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा भीड़ है, राजस्थान में कभी इतनी भीड़ रहती नहीं है, बट कल्कि का मतलब बोलते हैं ना एक अपना ही क्रेज है मूवी का, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स है उसमें, प्रभास हो गए सब हो गए, और मतलब वलसाड़ में क्या ज्यादा थिएटर चलता नहीं है, लेकिन अभी आज फर्स्ट डे का शो था मतलब, और फिर भी इतनी
ज्यादा भीड़ है। गाइस बारिश हो रही है सच में, कल की कहीं मूवी में ऐसा दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम कैसे माने कि आपके पेट में कि भगवान है ऐसा करके, अचानक से बारिश होने लगती है बहुत टाइम बाद। और गाइस यहाँ भी बारिश हो रही है, तो गाइस फिर से बारिश आ गई परेशान करने के लिए। आप लोग के पास कोई कंटेंट आइडिया हो ना बारिश का तो मुझे प्लीज डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैं कुछ शूट कर आती हूँ बारिश आ जाती है, अब रेनकोट पहन के तो बनाऊंगी नहीं। तो अब निकलते फटाफट घर एंड वीहू से मिलते हैं, देखते वीहू क्या कर रही हूँ। गाइस अभी मैं अंदर जा रही हूँ, देखते वीहू क्या करती है। अच्छी लगी भूत वाली पिक्चर। पानी पूरी खानी है, जाके पूरी लेके आ तो अंदर से जाके जा, पानी बाहर गिर रहा है ऐसे लेके खड़े हो जाना, उसमें आ जाएगा पानी। पानी नहीं पानी पूरी। हाँ तो देखना ये देखिए बारिश गिर रही है ना, पानी पूरी में, पूरी में अंदर क्या होता है? मोमो हूँ पूरी में अंदर क्या होता है जल्दी बता। मोमो पूरी में अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो पानी तो बाहर गिर रहा है, पूरी लेके खड़ा हो जाओ उसके अंदर, पानी आ जाएगा। हो गई पानी पूरी, बोलो बोलो। ओ माँ गाइस ये देखो इसको घर से बाहर निकल दिया, गेट खुला है, अंदर लाओ। किश ने बोला बाल जाने अंदर ला, अंदर नहीं आली, अंदर नहीं आली, ये अंदर नहीं आली, अंदर नहीं आली, बहुत मस्ती खोल बबू है, अंदर नहीं आली। बुआ तो धूमी धूमी गल क्या गई। मैं इसको इतना ज्यादा परेशान करती हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना बटाका वड़ा। तो गाइस इसको देखो, मैं जब भी इसका वीडियो लेती हूँ ना तो ऐसे मेरे पास आती है कैमरे में देखने के लिए कि बुआ क्या कर ली है। पटाखा वड़ा, बुआ तो धूमी धूमी कल के आ गई, तुमको नहीं लेके गई। अभी जाएगी मेरी बॉटल लेने के लिए, हमारी बबू बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है। बुआ का क्या चाहिए? बैग चाहिए। ये भी साइशा की दूसरी बहन है, साइशा छोटी थी तो मेरा बैग लेती थी, ये भी मेरा बैग लेती है। घूमने जाओगी, बैग लेके घूमने जाओगी बुआ का? उमा वीहो गाइस वीहो जा रही है घूमी घूमी करने, बुआ का बैग लेके कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने। ओ माय गॉड किधर जा रही हो शॉपिंग करने? वीहू वीहू किचन में क्या खरीदने आई हो बैग लेके? उमा कितना खुश हो लिए बैग लेके। ओ माय गॉड लाओ बुआ का बैग दे दो, बुआ को बैग दे दो लाओ। तो गाइस ये देखो इतनी बदमाश लड़की है ना ये वीहू के, मेरा पूरा कबाट ऐसे थोड़ी और बड़ी हो जाएगी ना तो निकाल के फेंक देगी। इसको देखो इतनी बदमाश है, मैंने मेरा कबाट खुला हुआ था तो मेरा उसमें से सब निकाला और ये सब निकाल के फेंक दिया और सब चीजें मेरे उसमें से निकालती है। चोल बबू वीहू चाहती है कि मैं उसको कैप पहनाऊ, तो गाइस वो चाहती थी कि मैं उसको कैप पहनाऊ तो मैंने उसको कैप पहना दी, पर वो निकाल रही है, उसको अच्छी नहीं लगी। ए गुलू बबू गुलू पुपलू बबलू गुलू पुपलू बबू वीहू स्माइल कर लो, स्माइल स्माइल कर लो, स्माइल कर लो। वीहू गोलगप्पा पुचु कुलू कुचु पुकु पुक्कु कुचु बागी 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 बागी। तो गाइस ये देखो वीहू को दादी अम्मा को मेरा कब से चश्मा बोल रही थी पहनने के लिए। दे दे देखो बुआ अंधी हो जाएगी नहीं तो। तो देखो गाइस फिर से गई है मेरे कबाड़ में, कुछ ना कुछ निकाल के आएगी। तो गाइस ये देखो मेरा वहाँ पे पर्स रखा है, तो ओ माय गॉड पर्स गिला लिया। लगी वीहू को, लगी वीहू को। अब मेरा पर्स लेके घूमेंगे, मतलब मेरे पर्स के पीछे ही पड़ी रहती है बब्बू तो। ठीक है मेरा पर्स ले जाना, तुम बल्दी हो जाओगी ठीक है। मैं शॉपिंग चली बेचारी सूट भी नहीं रहा है बैग। वीहू ए वीहू वीहू पीहू ए। तो गाइस जिसको वॉकर में डाल दिया क्योंकि ये ऐसे चलने लगी है ना तो बार बार सीढ़ी पे जाती है। देखो ना कितना क्यूट लोली है व्यू, कैसे लोती है कितना क्यूट लोली है व्यू। व्यू लोती भी कितना क्यूट है, वो चाहती है कि मैं उसको वॉकर में से उठा के ऊपर बिस्तर पे ले लूं। ओ बाबू क्या हुआ, आजा 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 आओ ले चीड़ रही आजा। ए क्या लेके आया ये, पूरा टाइम उसको परेशान ही करता रहता, पता नहीं कुछ ना कुछ रख क्या रख क्या। ए भैया के पीछे भागो, भैया के पीछे भागो, भागो भागो भैया के पीछे भागो, भैया कहाँ गए, भागो भागो भैया के पीछे भागो भागो फास्ट फास्ट भागो फास्ट भागो 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 भैया के पीछे भाग गई, भैया के पीछे भागो भागो भागो। तो गाइस इधर मैं लेटी हुई हूँ और वीहू वहाँ से रो रही है फुट फुट करके, तो वहाँ पर है और वो बेचारी आ नहीं पा रही है, उसको मैं दिख नहीं रही हूँ, तो देखो ना कैसे देख रही है एकदम उचक उचक के। क्या हुआ? ओ माय गॉड, मतलब मैं एकदम कॉर्नर में लेटी हुई हूँ इसलिए। क्या हुआ? ऊपर लाना है बेड पे। चादर खींच खींच के देख रही है। अरे आना अब, नहीं उठ पा रही तू, जिम जाने का क्या फायदा। जय लीला। गाइस अभी व्यू आ गई है ऊपर, अच्छा बहुत चिल्ला ली थी, कितनी चिल्ला ली थी की ऊपर लेने को, अब आ गई व्यू ऊपर, अब नहीं चिल्लाएगी ठीक है। तो जैसे ही उसको बिस्तर पे लिया वो खेलने लगी इससे,
वॉकर में थी तो खतरनाक रो रही थी, अनम इससे खेलने लगी, मतलब सही है। क्या बाबा क्या क्या है बट्टा का वड़ा? अब खेलने लगी, इसको बस मेरा यही चाहिए रहता है, बस मेरा सामान ही चाहिए रहता है, इसको अपने खिलौने से नहीं खेलेगी, मेरे उससे खेलेगी ये। तो गाइस फाइनली मतलब अभी इतनी बारिश हो रही है ना आज, तो वलसाड़ में की मैं क्या ही बोलूं। शाम को मेरा बाहर खाने जाने का भी प्लान था, एक जगह एक्सप्लोर करने का भी प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश हो गई। एंड वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड प्लेस थी, एकदम थोड़ा झोपड़े टाइप में मतलब बनाया हुआ था, मतलब एकदम हट वाला था, इसलिए मुझे लगा कि बारिश होगी तो ऐसे भी चालू नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं गई। और गाइस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना भूल गई कि अमिताभ बच्चन की जो मतलब एक्टिंग थी ना, मतलब एक नंबर एक्टिंग थी, मतलब उनकी एक्टिंग को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतने सारे सेलिब्रिटीज थे ना, मतलब अमिताभ बच्चन की एक्टिंग एक तरफ, बाकी सब एक्टिंग एक तरफ, मतलब लिटरली एक नंबर मूवी थी। मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बाकी एक्टिंग बहुत सही थी सबकी, तो मतलब लिटरली एक नंबर मूवी थी, एक्शन था इसके लिए थोड़ा ऐसा था। क्या हुआ मूवी बहुत अच्छी लगी मेरे को, मुंजिया वाली देखने नहीं गई थी, कल की मूवी देखने गई थी, कल की कैसी थी? कल की अपने भगवान है, मतलब 10वें अवतार है अपने, आएंगे क्योंकि तू पाप बहुत करता है ना, बच्चे जो बहुत पाप करते हैं ना आते हैं, बस आते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक रुक जा रुक जा रुक जा। तो बस देखो इसको कितनी पंचायत है, इसका आजकल बहुत पंचायत है, तो स्कूल जाता है, स्कूल का क्या नाम है नए वाले स्कूल का? कौन से क्लास में है तू? तो बस गाइस आज के लाइक व्लॉग में इतना ही था कि लाइक कल की मूवी का रिव्यू मैंने दिया, बहुत सही मूवी लगी मेरे को। तो फिर चलिए गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ऐसा लग रहा है कि मैं कोरस सॉन्ग गा रही हूँ, मतलब ये साथ में मेरे बोल रहा है, पता नहीं क्या है इसको। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।